इन दिस मॉड्यूल डिस्कस टाइप ऑफ जिनेटिक वेरिएशन स्पेशली रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट जनरेशंस इसके अंदर हम जो रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट जनरेशन है उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं उसके बारे में देखेंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसकी वजह से जो ए सेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर वाज डिफरेंस मौजूद होता है जिसकी वजह से टैक्सोनोमिस्ट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो डिफरेंस है इन ऑर्गेनिजम को डिफरेंस स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जाए या कि सेम स्पीशीज के अंदर क्योंकि जब तक एक टेक्सोनिस्ट जो है उसको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो उनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर ही ट्रीट करेगा फॉर एग्जाम्पल साइनिप्स जो कि गोलवास्प है इसके अंदर जो एमिक जनरेशन है ये बाई जनरेशन से टोटली totally डिफरेंट है इसी तरीके से अगर हम एफिट्स के अंदर बात करें तो एफिट्स के अंदर जो पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स हैं वो विंगलेस फीमेल्स हैं और ऐसी फीमेल जो सेक्चुअल प्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं, वो विंग्ड फीमेल है ये दोनों फीमेल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है तो ये टैक्सोनॉमिस्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं इसी तरीके से अगर हम स्लग्स की बात करें तो स्लग्स की जो जीनस है एरियॉन इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेन मौजूद होते हैं ऐसे स्ट्रेन जो कि पोलीमॉर्फिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वजूद में आते हैं यानी ऐसे स्ट्रेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनते हैं इनके अगर एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उसके अंदर वाज तौर पर डिफरेंस मौजूद होता है लेकिन अगर हम ऐसे स्लग्स जो कि ए सेक्चुअल प्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं इनके एंजाइम्स को कंपेयर करें तो इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम है तो ये जो डिफरेंस है डिफरेंट जनरेशन की वजह से डिफरेंट मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से है इसी तरीके से कुछ ऑर्गेजम्स के अंदर ट्रेड्स के अंदर वाज तौर पर कंस्पिक्वस डिफ्रेंस मौजूद होते हैं और यह ख्याल किया जाता है कि इस किस्म की जो पॉलीमॉर्फिजम है ये सिंगल जीन की वजह से होती है सिंगल जीन इसको कंट्रोल कर रहा होता है और ये जो सिंगल जीन है इसकी जो ट्रांसमिशन है इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो सिंपल मैंडलियन फैशन के मुताबिक है अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो बीटल्स के अंदर जो स्पॉटिंग है लेडी बीटल्स के अंदर ये पोलीमार्फिजम का नतीजा है और इसको सिंगल जीन कंट्रोल करता है यानी एक ही स्पीशीज जो है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पॉट्स या उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन हंड्रेड से भी ज़्यादा बर्ड्स जिनको हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर करते रहे बाद में ये पता चला कि ये जो वेरिएशन है ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है ये बेसिकली एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे इनको डिफरेंट स्पीशीज में इस वजह से रखा जाता रहा क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशन इतनी ज़्यादा थी कि इस वेरिएशन की वजह से और जो टैक्सोनोमिस्ट थे उसका जो नॉलेज था वो उस वक्त लिमिटेड था इस बेस के ऊपर उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जाता रहा तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जेनेटिक वेरिएशन हैं जेनेटिक वेरिएशन टेक्सोनिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं